हेलो गाइस, आई एम सुमित, वेलकम बैक टू एस मोड। तो कैसे आप सभी, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी हमारे TVS सिमरन सेक्टर 18। तो भाई ये है भाई न्यूली लॉन्च TVS इंटॉर्क XT वेरिएंट 125 सीसी में आती है। XT वेरिएंट ये अभी लॉन्च हुआ है भाई, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करी गई। एक तो आपको ये न्यू कलर स्कीम देखने को मिल जाती है नियॉन कलर में, और यहाँ पे आपको पर्पलिश ये कलर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एंड एजेस काफ़ी अच्छी है इसके, जो स्टिकरिंग करी गई है इस पर वो भी काफ़ी एजी है, देख सकते हो आप फ्रंट में। यहाँ पे आपको LED सेटअप देखने को मिल जाता है, फुल LED सेटअप, और डे टाइम रनिंग लाइट भी देखने को मिलेगी, और छोटा सा TVS लिखा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, एंड स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी है, और ये भाई नॉर्मल वाली इंटॉर्क से ज़्यादा फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इधर देख सकते हो TVS इंटेल गो, इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, 125 की बैचिंग मिलती है। काफ़ी मतलब यार वो अट्रैक्टिव लुक दिया गया है इस स्कूटी को। फ्रंट में देख सकते हो इसको मड गार्ड नियॉन ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है। डिस्क देखने को आपको मिल जाता है फ्रंट में यहाँ पे, और 100x80 का आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। ग्रिप काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको रोड पे। RT रेस फ्यूल्ड यहाँ पे आपको इसके अंदर FI देखने को मिलेगा। चलते हैं भाई इसके इंजन की तरफ, तो आपको इंजन की बात करते हैं भाई। 124 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BSC इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई पावर प्रोड्यूस करता है 10.2 BHP की, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.8 Nm की। तो भाई ये फर्स्ट स्कूटी है जो इतनी पावर एंड टॉर्क देती है भाई 125 cc सेगमेंट के अंदर। तो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर पिकअप देखने को मिलता है। इस साइड से आप लोग देख सकते हो इसके भाई, मतलब यार दूर से मतलब कोई देखेगा तो अलग ही एक स्कूटी लगेगी ये, काफ़ी यूनिक सी। यहाँ पे आपको फैन भी देखने को मिलेगा ना, वो भी नियॉन में देखने को मिलेगा भाई, काफ़ी सही लग रहा है। एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है आपको, फुली स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। सीट की बात कर लें, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई चेंजमेंट नहीं करेगा है सीट में। बेसिकली कलर एंड इसकी एक और चीज़ है, TFT डिस्प्ले दे दी गई है, वो दिखाऊंगा आपको। पीछे से वही सेम बैक लाइट आपको देखने को मिलेगी, इंडिकेटर आपके माउंटेड है यहाँ पे। ग्रैब रेल देखने को मिलेगी, नियॉन टच मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंटीरियर की 3D में बैचिंग देखने को मिलेगी 125 XT के। यहाँ से आपने ये इसको सीट को खोल सकते हैं, एंड अपने फ्यूल नीडल को भी। तो खोल के दिखाता हूँ भाई आपको इसमें कितना स्पेस मिल जाता है सीट के नीचे, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे अपने फ्यूल नीडल खोल सकते हैं, लेफ्ट में करेंगे तो 5.8 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि आपको भाई 50 तक की माइलेज प्रोवाइड करेगी, 50-55 की। अगर आप इसको राइट में करेंगे तो आपकी सीट खुल जाएगी, तो 22 या 25 लीटर का आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाता है लीटर का। तो एक हेलमेट आराम से आ जाएगा, एंड सामान रखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ अपना फ़ोन चार्ज लगा के छोड़ सकते हो, और यही सब मिलता है। बंद करते हैं इसे, चलते हैं मीटर की साइड। तो भाई ये है भाई एक नई चीज़, तो बैठते हैं एक बार इस पर, तो ऑन करके दिखाता हूँ भाई आपको यहाँ से। तो एकदम देखना भाई, इसमें आपको भाई फर्स्ट स्कूटी है जिसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा है इंटीरियर आता है भाई इसका, बहुत ही अच्छा लगा। स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड, अब इसमें दिखा रहा है लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है। इस साइड अपना देख सकते हो आपका स्पीडोमीटर है, और ओडोमीटर, Trip 1, Trip 2 एंड Trip 5 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। फ्यूल गेज आपकी है इधर, इंजन माल फंक्शन, साइड स्टैंड का पावर एंड इको मोड देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। इसमें आप भाई काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसको आप प्रेस करोगे तो उससे चेंज होएगा। अब जैसे मैंने प्रेस करा, ये बैटरी वोल्टेज दिखाएगी आपकी, हैं लास्ट लैप दिखाया कितना भाई आपने लास्ट लैप बढ़िया करा है वो दिखाएगा, और बेस्ट लैप दिखाएगा। बेस्ट लैप मतलब जितने भी आपने अभी तक इसको चलाया तो सबसे बेस्ट लैप कौन सा रहा आपका। स्ट्रीट मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेरे को काफ़ी सही लगा यार स्ट्रीट मोड आ गया, ये तो आपको मोड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको XT की बैचिंग मिलेगी, और इसमें आपको भाई स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी सा मिलता है, स्मार्ट टॉक, जिसमें आप भाई अपना क्या बोलते हैं वॉइस असिस्ट कर सकते हैं, और अपना क्रिकेट के लाइव स्कोर दे सकते हैं इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको भाई फेसबुक की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, व्हाट्सअप की एंड इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, आपके फूड डिलीवरी की नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। काफ़ी मतलब फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर नोटिफिकेशन के देखा जाए तो, और आपको फ्यूल वार्निंग दी जाएगी भाई अगर आपको लो फील हो जाएगा तो। ये कुछ आपको इसके न्यू मीटर में भाई चीज़ें मिलती हैं। यहाँ बटन्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर के, हॉर्न, इधर आपको हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अपना वॉइस असिस्ट देखने को मिल जाता है। आप इसको प्रेस रखेंगे तो अपना वॉइस असिस्ट काम करेगा। मिरर्स मिल जाते हैं ऐसे आप कुछ आपको। तो भाई ये कुछ इसके मीटर की बात थी, बाकी इसके भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, और टोटल कर्व वेट आपको मिलता है इसके अंदर 116 किलो का।
तो लाइट वेट है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, एलॉय मिल जाते हैं फ्रंट में भी बैक में भी, काफ़ी बढ़िया है भाई। और भाई इसके अंदर आपको न्यू यही दो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, एक टेप्ड डिस्प्ले नहीं आई है इसके अंदर, और एक इसके अंदर कलर स्कीम आई है ये जो नहीं है। बात कर ले भाई अब इसके प्राइस की, तो एक्सोरूम प्राइस आपको मिलता है भाई 99,250 रुपीज़, और ऑन रोड आपको ये पड़ेगी भाई 1,21,000 की ऑन रोड आपको ये स्कूटी पड़ेगी गुड़गांव में। तो प्राइस भाई देखा जाए तो काफ़ी महंगी हो चुकी है स्कूटी, इतने रेट में पहले बाइकें आ जाती थी, बट अब सबके प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, बट आपको फीचर भी उसी हिसाब से इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो हाँ बताओ भाई आपको क्या लगा इस प्राइस के अंदर, ये स्कूटी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और जो भी TVS लवर है भाई तो वो जरूर कमेंट कर दे। चैनल को कर सब्सक्राइब, मिलता है आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।